गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू द साइंस एट द नंबर 10, लाइट एंड शैडो, पेज नंबर 142. Earth and its movements. Do you know that the earth is moving all the time? It is not magic that we do not feel this movement. Our earth shows two types of movement. Let us learn more about these two types of movements. हमारा जो अर्थ है ये ऑल टाइम मूव करता है, ये कोई मैजिक नहीं है, हम फील भी नहीं कर सकते हैं. पर ये जो मूवमेंट है वो दो तरह की डिफरेंट टाइप्स का होता है. क्या क्या है वो हम आज देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, रोटेशन. लाइक ए टॉप, द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस कंटिन्यूअसली. जैसे टॉप होता है छत का, वैसे ही अर्थ ऑल टाइम मूव करता है अपना जो पथ है उस पथ में continuously. The spinning movement of the earth of its axis is called rotation. ये जो movement है अपना पथ के ऊपर, उसको हम continuously जो movement करता है अपने पथ के ऊपर, its axis के ऊपर, इसको हम कहते हैं rotation. The earth spins anti-clockwise, that is from west to east. The earth takes 24 hours to complete one rotation. ये जो आर्ट जो मूव करता है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज नहीं, दैट मींस उल्टा घूमता है, दैट मींस ईस्ट टू वेस्ट नहीं, वेस्ट टू ईस्ट. और ये 24 आवर्स लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, अपना ओन एक्सिस में घूमने के लिए ये 24 आवर्स लेता है. देखो ये है आर्ट, ये है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वेस्ट, ईस्ट, और ये है, ये जो है ये है आर्ट का एक्सिस. An axis is a line passing through the center of an object from one end to another. ये axis क्या होता है? ये एक line होता है. जो passing through a center, ये center से जो pass होता है, from the end to another, ये एक end से another end तक. ये एक end से another end तक, ये जो passing through करता है, इसको एक line जो होता है, इसको हम कहते हैं axis. The earth's axis is imaginary and it's slightly tilted to one side. ये जो axis है, हम लोग इसको axis call करते हैं, बस ये है imaginary. ये वास्तव में है या नहीं है ये नहीं पता, ये just imaginary है. As the earth rotates of its own axis, half of it faces the sun and another half is away from the sun. ये जो अपने एक्सिस पे घूमता है, ये जो अर्थ है इसका हाफ पोर्शन जो है ये सन के नजदीक है और हाफ पोर्शन जो है ये सन से दूर है. द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन रिसीव सनलाइट एंड पीपल ऑन द पार्ट ऑफ द अर्थ एंजॉय द डे. जो पार्ट सन के नजदीक आता है उसका जो पीपल है, उस पार्ट का जो पीपल है वो सनलाइट ज्यादा, सनलाइट से ज्यादा एंजॉय करता है उसका दिन में. और अदर जो पार्ट है जो नजदीक से दूरी है उसमें डार्कनेस ज्यादा होता है और उसमें रात ज्यादा होता है और दिन कम होता है और स्लीप कॉलिंग इट नाइट. As the earth rotates, the side of the earth it was lightly gradually moves away from sun and is known as darkness and as night. ये जो side है जो जिसमें lights हल्का से gradually आता है और जो इसके आगे जो earth जो move करता है और दूरी जो है उसका sun से, उसमें उस पोर्शन में डार्कनेस और नाइट जो होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि उसका उसमें लाइट थोड़ा कम पड़ता है. सिमिलरली जिस साइड में लाइट जरा ज्यादा पड़ता है उसमें दिन बड़ा होता है और लाइट ज्यादा पड़ता है. द रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. ये रोटेशन जो होता है, एक जो 24 आवर्स लेते हैं अपने उन एक्सिस पे रोटेशन करने के लिए अर्थ, ये रोटेशन ही कारण होता है किसमें कौन सा पार्ट में दिन बड़ा होगा या रात छोटा होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है. सो अप टू दिस, थैंक यू.